लौकिक कार्य क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक, चाहे भगवान बनने का विषय हो, चाहे धनवान बनने का विषय हो, एक बहुत बड़ा शत्रु बैठा होता है हमारे अंदर, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, जिसका नाम है मिथ्या संतोष। अब कर तो लिया, हो तो गया, ना ऐसे नहीं हो गया, इतने समय संतोष करोगे तो इतना बड़ा कैसे मिलेगा, छोटी सी पर्याय में संतोष करोगे तो पूर्ण निर्मल पर्याय कैसे आएगी, इतने से धन में संतोष करोगे तो अधिक धन कैसे आएगा, छोटे से व्यापार में सीमित हो जाओगे तो बड़े व्यापारी कैसे बनोगे, छोटे से वक्तव्य में शांत हो जाओगे तो बड़े वक्ता कैसे बनोगे, छोटे सा मोटिवेशनल प्रोग्राम करके संतोष कर लोगे तो बड़ा मोटिवेशनल प्रोग्राम कैसे करोगे। अरे भाई, छोटी सोच बड़ा अपराध है, छोटे स्वप्न बड़े अपराध हैं, इसलिए मिथ्या संतोष ना करना। अब हो गया ना, पढ़ तो लिया ना, ना ना हमें 6 घंटे स्वाध्याय करनी है, अब हो तो गया स्वाध्याय, ना ना हमें आगे बढ़ना है, अब कितना विचार करोगे। अरे हम दिन भर करेंगे विचार, कितना धन कमाओगे क्या, हमें बहुत कमाएंगे, कितने आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं कोई धन कमाने नहीं कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको सोच की बात कर रहा हूँ। ये मिथ्या संतोष नाम का जो एक घुन है, ये हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, दीमक है ये, दीमक ये हमें बढ़ने नहीं देता, ये हमें आगे निकलने नहीं देता। इसलिए आप इस मिथ्या संतोष नाम के विपरीत विचार को विराम देना और डट कर आगे बढ़ना, मोक्ष मार्ग में भी बढ़ना, जीवन में भी बढ़ना, क्योंकि तुम्हें तो बढ़ना ही है, हमारा काम बढ़ना ही है, बढ़ते ही रहना है। इसलिए हमें मिथ्या सोच पर, मिथ्या संतोष पर नहीं टिकना है, वो मिथ्या संतोष हमें शांति सहज सुकूनता देगा ही नहीं, और हम थोड़ा सा करके यहीं बैठ जाएंगे और हमें जिन ऊंचाइयों में पहुंचना चाहिए हम वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। समय से कर की यात्रा करे जीव, अब आज ठीक है, अब हो तो गया, आ तो गया गंधर्व नाला, तो फिर नहीं चढ़ पाएगा, अब ठीक है शीतल नाला आ गया, बस हो गया, अब चोपड़ा कुंड तो कर लिया भैया, बस फिर अब आ तो गए पहले टोंक, अब हो गया भाई वंदना, तो ये नहीं कर पाएगा वंदना। जिसके जहन में पार्श्वनाथ की टोंक है और नीचे उतरना भी है, वो जीव बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए मिथ्या संतोष में ना रुकना, मिथ्या संतोष ना करना, ना तो जीवन में फिर कहीं पहुँच पाएंगे और ना कुछ सफल हो पाएंगे, विचारना।